जय हिंद प्यारे साथियों। साथियों आज एक नए वीडियो के साथ फिर से आप सभी के साथ रूबरू हुआ हूं। आज की वीडियो विशेषकर जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन के संबंध में विशेष वीडियो के साथ आया हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपने खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आइए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको जो विशेष बताने वाला हूँ आप थंबनेल पर पढ़ लिए ही होंगे। तो हम सबसे पहले अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र में सिंपल सर्च करेंगे फ्रेंड्स CRSS। जैसे ही हम CRSS टाइप करके आप सर्च करते फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है गवर्नमेंट झारखंड के द्वारा या तो फिर आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वेबसाइट जारी किया गया है उस वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो वेबसाइट शो कर रहा है ये एक ऑफिशियल वेबसाइट भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट को जारी किया गया है फ्रेंड्स। इसी वेबसाइट के माध्यम से जितने भी सारे स्टेट है इसी वेबसाइट के माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट जारी करते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। जो यूज़र आईडी और पासवर्ड एक एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद आपको अवेलेबल कराया जाता है। जैसा कि हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड अवेलेबल करवा चुका हूँ जो कि एग्ज़ाम हमने क्वालीफाई कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड को वहाँ से डाल करके यहाँ फिलअप करेंगे तो मेरा इस टाइप से यूज़र आईडी और पासवर्ड खुलने के बाद मेरा आईडी इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप ऊपर में देख सकते हैं फ्रेंड्स वेलकम टू नंदलाल कुमार यहाँ पे लिख रहा होगा। ये मेरा अपना पर्सनल यूज़र आईडी है जो कि गाइस हम क्वालीफाई करने के बाद हमको ये यूज़र आईडी और पासवर्ड अवेलेबल कराया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे राइट साइड में आप डैशबोर्ड दिख रहा होगा। इसके बाद वॉलेट दिख रहा होगा। वॉलेट के बाद आपको नीचे एक व्यू टू ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप मेरा ट्रांजेक्शन वॉलेट में आप देख सकते हैं मेरा 920 रुपये। इस पर और वॉलेट हम लोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका इशू चल रहा है सर्विस के कारण से अभी लोड नहीं हो रहा है। फिर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बाइक आएंगे। बाइक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बर्थ सर्टिफिकेट का। बर्थ सर्टिफिकेट पर जिसने क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मेट खुल जाता है। यहाँ पे आप नॉर्मल जिस भी कैंडिडेट का बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद वहाँ पे उसका आधार नंबर फिलअप करेंगे। अगर फ्रेंड्स आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप फिलअप नहीं करेंगे। पे ध्यान देने योग्य बात ये है फ्रेंड्स कि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ होगा उसी दिन का यहाँ पे डेटा फिलअप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे बगल में आपको एक जिस डेट ऑफ बर्थ आप जैसे कि आप डाले हैं अल्फ़ाबेट में तो यहाँ न्यूमेरिकल में आपको भी फिलअप करना होगा जन्मतिथि। जैसे कि हम यहाँ पे फिलअप किए हैं 12/3/2020 तो इसी टाइप में यहाँ पे आपको इंग्लिश फॉर्मेट में लिखना होगा। फिर जन्म स्थान लिखना होगा बच्चे का जन्म स्थान जहाँ भी होगा वहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद बच्चे का फादर नेम लिखना होगा फादर का। फिर उसका आधार नंबर टाइप करना होगा। फिर नीचे आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे मदर नेम टाइप करेंगे बच्चे का और फिर बच्चे की माँ का आधार नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्मल आएंगे और फिर उसका एड्रेस टाइप करेंगे जिसका एड्रेस बच्चा के साथ जैसे कि पिता का एड्रेस वहाँ पे फिलअप करेंगे जो उसका आधार कार्ड में दिया हुआ होगा। और इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट को यहाँ पे फिलअप करेंगे फ्रेंड्स। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी दिन का आप रजिस्ट्रेशन फिलअप यहाँ पे करेंगे। सारा चीज़ डाटा फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक बटन आपको दिखाई दे रहा होगा सबमिट बटन। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपका डाटा वेरीफाई के लिए यहाँ से चला जाता है। डाटा वेरीफाई से सबमिट करने से पहले आप 100% श्योर हो जाइए फ्रेंड्स कि हमारा डाटा जो फिलअप किया है वो 100% सही है क्योंकि रिजेक्ट यहीं से फॉर्म ज़्यादा होता है फ्रेंड्स अगर डाटा सही नहीं रहता है तो। सबमिट मारने के बाद फ्रेंड्स आपका डाटा जो है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके आईडी में अवेलेबल हो जाता है। अगर सभी डाटा सही रहा फ्रेंड्स तभी आपका आईडी में जो है आपका बन करके बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट व्यू एप्लीकेशन में क्लिक किया हूँ। हमने जितना भी एप्लीकेशन अप्लाई किया फ्रेंड्स सभी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बन करके आ चुका है पहले का। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा सभी डेटा आप यहां पे शो कर रहा होगा। हम किसी भी डेटा को यहां पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जो आईडी के अंदर बन के आया है। यहां पे व्यू बटन पर आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने व्यू पर क्लिक किया और देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारे जन्म प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वहाँ होकर के आया है। कुछ इस प्रकार से आपका अभी बर्थ सर्टिफिकेट आप भी जब अप्लाई कीजिएगा तो आपका भी इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट बन करके आता है।
यहाँ पे आपने PDF फॉर्मेट यहाँ पे सेटअप करेंगे। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स, हम आपको जूम करके भी दिखा देना चाहता हूँ, ये 100% पूरे देश के लिए वैलिड है और इसको कहीं भी यूज कीजिए, 100% वैलिड आपका सर्टिफिकेट रहेगा। आप इसको स्कैन करके भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारा का सारा डाटा लीगल और सही आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने बात योग्य यह है फ्रेंड्स कि आपका जो सर्टिफिकेट है अपने देश में ही वैलिड रहेगा, किसी भी अदर देश में यह सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि सारा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सारा वेरिफिकेशन कोड डाला हुआ है, ना कि अदर कंट्री का। तो फ्रेंड्स, आप पूरे देश में कहीं किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर इस तरह से आप भी बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के मुझसे कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे कैफे कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो जो आज चाह रहे हैं, जो कॉलिंग किए और हमारे चैनल से जुड़ रहे फ्रेंड्स, मैं उनको आशा विश्वास दिलाना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि बहुत जल्द ही आपको वीडियो अवेलेबल हमारे चैनल पर कराया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। और जितने भी साइबर कैफे कोर्स खोलने वाले हैं फ्रेंड्स, मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आपका जो कैफे कोर्स मैं कम्प्लीट आपको कराने वाला हूँ, उसका वीडियो भी अवेलेबल कराऊँगा। और ऑफलाइन क्लासेस भी हमारा चतरा ज़िले झारखंड में चल रहा है, जिनको भी ऑफलाइन क्लासेस करना हो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर बनाऊँ उसका कमेंट ज़रूर करके बताएं फ्रेंड्स, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी सब्जेक्ट पर बना पाऊँ और आपको अवेलेबल करा पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।